अब वो उनको वो आउट हो सकते, वो आउट नहीं हो सकते, तो करे ना आउट। क्यों ना अभी खेलने आधे घंटे के बाद। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमारी अगर बैटिंग हो गई ना तो इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग हो तो दुनिया की कोई टीम हमें हरा नहीं सकती। क्यों क्यों कहा था? क्यों हमारे जो बॉलर है वो बेस्ट है। अच्छा, वो इतने बेस्ट है कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह हैर करेगा अगर हार किस्मत में है ना, हारना है। मैं अपनी अकेडमी छोड़ के सिर्फ इस मैच के लिए आया हूँ, लेकिन इस मैच में भी इन्होंने कोई कारगर्दगी नहीं दिखाई। ये वही टीम दोबारा आ जाती है और वही काम करके वापस चले जाती है। इनका जीतने का कोई इरादा नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इससे अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद, मैं मोहम्मद साद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। शाबाश बेटा, ये रात का ही बताया कि भाई इन्होंने हारना है। वकार जगह गया हुआ है, टोटली फिक्स्ड मैच है। वकार बाकियों को उन्होंने वो कोई वीजे नहीं दिए, कोई टिकट्स नहीं दिए। वकार जगह को बुला रहे हैं, जी आजो इधर हमारे पास आजो, दावत पे इनविटेशन दिया है। इस तरह मैच करना है, पूरा प्रॉपर मैच करें। ये क्या है, हर दफा ही 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, वकार जगह गया, उस दफा भी ऐसे ही हुआ है। बोले क्या कहना चाहते हैं वो, जो ये डिजर्व करते हैं वो बोले ना। नहीं, ये अवाम ही चूतिया जो इनको देखती है। इतनी बड़ी लानत ही भेजूंगा, इन्हें शर्म ही नहीं आती। 155 पे 2 आउट थे इनके, 187 पे 9 आउट है। हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते। क्या करना चाहिए इनके साथ, अगर वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहिए तो इनको ऐसी रेडियां लगा के बिठाए इधर ही। ये भगवान क्या जुल्म है। तो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़ी सी होंगे। सो भाई लोग, मैं फिर से आपकी मनोकामना से पाकिस्तान से एक जाहिल वाले कंटेंट लेके आप बस हाजिर हो गया आप लोगों एंटरटेन करने के लिए। सो भाई लोग, आज टॉपिक है वो ये है कि इंडियन बॉलर्स एक्सपोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन। भाई 191 पर ऑल आउट, पत्ता साफ। पाकिस्तानी कितना ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई एटलीस्ट 300-400 रन तक करेंगे, भाई इतना टारगेट देंगे इंडिया को। लेकिन भाई सो सैड, 191 पर ऑल आउट हो गए। तो भाई चलिए देखते हैं इसके बाद से पाकिस्तान की जो अनपढ़ आवाम है उस पर क्या कहती है, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का जो समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना देरी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे अगले से न्यू लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। ये रात का ही बताया कि भाई इन्होंने हारना है। वकार जगह गया हुआ है, टोटली फिक्स्ड मैच है। अच्छा, ठीक है, ये इन्होंने हारना ही था हर सूरत में। 35 रन पे 7 आउट हो रहे हैं। इस तरह कोई भी टीम, बांग्लादेश भी इस तरह नहीं करती, अफगानिस्तान तक इस तरह नहीं करती जिस तरह इन्होंने किया है। रात का ही इनका वकार बाकियों को उन्होंने वो कोई वीजे नहीं दिए, कोई टिकट्स नहीं दिए। वकार जगह को बुला रहे हैं, जी आजो इधर हमारे पास आजो, दावत पे इन्विटेशन दिया है। इस तरह मैच करना है, पूरा प्रॉपर मैच करें। ये क्या है, हर दफा ही 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, वकार जगह गया, उस दफा भी ऐसे ही हुआ है। इस दफा गया है जानबूझ के आ रहे हैं। इनका मकसद ये है कि वाम को जलील करना। अब ये कितनी वाम आई, इनका क्या गुना है? बंदे के पुत्रों की तरह खेलते, ये तो कोई बात नहीं कि भाई ठीक है आए खेला गया, ये सारा फिक्स्ड है। ये बच्चों को रात का भी पता है, 4 दिन पहले की चली हुई है न्यूज़ कि भाई वकार जकार ने जाना है, ये मैच होना ही होना है। ये अब मैं क्या अल्फाज बोलूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं इनके लिए। बाबर बोले क्या कहना चाहते हैं, वो अल्फाज जो ये डिजर्व करते हैं वो बोले ना। नहीं, ये अवाम ही चूतिया जो इनको देखती है। हुतिया तो आप हो, हुतिया जैसी बात कर रहे हो और भाई आपकी सोच भी हुतिया जैसी है। सही बात है। अबे रोज का नाटक है यार इनका। अगर भाई पाकिस्तान जीता तो भाई ठीक है, और भाई अगर हारा तो मैच फिक्स्ड है। हमको भी हुतिया बना रहे हो क्या? सही पकड़े हैं। तुम्हारे प्लेयर्स की जी एंड में दम नहीं है तो भाई हमें दोष मत दो, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं अपना स्कूल छोड़ के आया हूँ, आज मैं अपनी अकेडमी छोड़ के सिर्फ इस मैच के लिए आया हूँ, लेकिन इस मैच में भी इन्होंने कोई कारगर्दगी नहीं दिखाई। ये वही टीम दोबारा आ जाती है और वही काम करके वापस चले जाती है। इनका जीतने का कोई इरादा नहीं है। उसके अलावा ये दूसरी बात, तो ये इंडिया के मुल्क में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है उसकी वजह से कोई उसकी मतलब कि उसकी निस्बत कोई खेलता नहीं है। अगर वो खेले तो अपना सही मन लगा के नहीं खेलता, प्रैक्टिस के दिन होते हैं। ये अली हसन अली, उसके अलावा ये मोहम्मद हारिस रऊफ, ये सारे ये अपनी वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं,
टिकटॉक बनाते हैं, उसके अलावा ये कोई मतलब इतनी प्रैक्टिस ही करते, और जब खेलने की बारी आती है तब ये अपनी सिंपल विकेट लेके आ जाते हैं, ना कोई स्कोर होता है ना कुछ, और इसीलिए हम तो कहेंगे ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इसके अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद, मैं मोहम्मद शाह दाबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ, और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। शाबाश बेटा, क्या बात है, क्या वो उनको वो आउट हो सकते, वो आउट नहीं हो सकते, तो करे ना आउट, क्यों ना अभी खेलने आधे घंटे के बाद। मेरी बात सुने, हमारे पास बॉलर नहीं है, ये वक्त वो था, उन्होंने कहा था इंडिया वाले की जो टीम थी ना, उन्होंने कहा था मैं सबकी बात सुनूंगी, मुझे हमारी अगर बैटिंग हो गई ना तो इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग हो तो दुनिया की कोई टीम हमें हरा नहीं सकती। क्यों कहा था क्योंकि हमारे जो बॉलर है वो बेस्ट है, वो इतने बेस्ट है कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह हैर करेगा, अगर हार किस्मत में है ना हारना है। अच्छा, अगर नहीं हारना, मेरी बात सुने, ये आपका मुल्क है, आप क्यों कह रहे हैं क्या हमारा मुल्क गंदा है, क्यों कह रहे हैं, मेरी बात सुने ना, क्यों कह रहे हैं गंदा, हारना किस्मत की बात है मेरी जान, हारना किस्मत की बात, मेरी बात सुने। कीप साइलेंट, हाँ चढ़ जाओ रिपोर्टर पे। भाई इनका बिल्कुल सही है, अगर भाई पाकिस्तान जीता तो भाई जीता, और भाई अगर हार गया तो भाई किस्मत की बात है, मैच फिक्स्ड है। इसकी माँ का भोला चेहरा, ये कभी क्रेडिट नहीं देंगे, इसलिए आज तक भी हर जगह जलील होते हो, और भाई ऐसे ही होते रहोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से, 189 पे 9 आउट है हमारे, इतनी बड़ी लानत ही भेजूंगा, इन्हें शर्म ही नहीं आती, 155 पे 2 आउट थे इनके, 187 पे 9 आउट है, हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते, इनको नेदरलैंड के खिलाफ खिलाओ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ, नेपाल के खिलाफ, ये सेंचुरियां करे, अपनी रेटिंग अच्छी करे, ये फायदा ही, इनको वापस बुलाओ इनको। बाबर के हवाले से क्या कहेंगे, हमें तो बड़ा फखर और मान था बाबर पे, आज 50 करके गए हैं, बाबर एम ठुलर प्लेयर है, फायदा नहीं, 50 किस बात का किया उसने, टिप 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 एंड पे 50 करके आउट हो गया अपनी, मतलब हाफ सेंचुरी करके, ऐसे तो नहीं चलता। अरे हम तो कहते थे हमारी बैटिंग लाइन बड़ी आला है, हम तो इंडिया के छक्के चौके छुड़वा देंगे, इंडिया ने आज देखें क्या किया हमारे साथ, आप देखे ना 187 में 9 आउट हो गए, छक्के चौके जुट गए, सब कुछ हो गया, चले पैकिंग करे घर चले, इनको वर्ल्ड कप खिलाना ही नहीं चाहिए, वापस बुलाए इनको, क्या करना चाहिए इनके साथ, अगर वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहिए तो इनको ऐसी रेडियां लगा के बिठाए इधर ही, ये काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान के ये साथ मतलब खेले। अभी बाकी का मैच देखेंगे या नहीं? मैं बस जा रहा हूँ, जाके सोऊंगा आराम से। पाकिस्तानी टीम जो जलील हो रही है ना भाई, अपनी कंट्री में भी और भाई पूरी दुनिया में, क्या कहा था बाबर आजम, ग्राउंड पे बताऊंगा, कहाँ गया ग्राउंड, 50 पे उतर आया और भाई 191 पर ऑल आउट, मैच हार के घर वापसी, ओयो बहुत बुरा हुआ साले न्यू प्लेयर्स। So that is guys, इस हफ्ते वीडियो में कमेंट करो बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसी पसंद आए ना तो जस्ट प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कमेंट जोर से कर देना, इसमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अगर प्लीज मेरे ना ली तो मैं भी चाहता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और ही न्यू कॉन्टेंट लेके, और भाई ऐसे न्यूज है और भाई ऐसे जाहिर वाले कॉन्टेंट लेके आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो मैं भी चाहता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, हम लोग लिखेगा वंदे मातरम।